तो प्रयोग के तौर पर मैंने जुलाई 2020 में पहली ई पत्रिका निकाला और मेरे दिमाग में इसका पहले से टॉपिक भी फिक्स था कि इसका इसका जो शीर्षक होगा वो जिज्ञासा होगा, और इस शीर्षक को मैंने ई मैगजीन के रूप में परिणत किया। और आज के डेट में, जबकि इस महीने हमने मई में जो है इसका 10वां अंक प्रकाशित किया है, कंटिन्यू है, किसी एक भी महीने हमने इसको मिस नहीं किया। ये हमारी और हमारे टीम की सफलता है, आप लोगों की शुभकामना के चलते हम लोग लगातार इसको प्रकाशित कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्नोशाला पर। आज डिजिटल टीचर की कहानी में हमारे साथ जो शिक्षक जुड़ रहे हैं वो है रवि रोशन कुमार जी, बिहार दरभंगा से। रवि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है टेक्नोशाला में, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के इंटरव्यू के लिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इंटरव्यू के लिए? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देख रहे सभी हमारे शिक्षक बंधु और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रवि रोशन कुमार, राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी, दरभंगा जिला के अंतर्गत यह आता है, और स्टेट बिहार में मैं एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा के बारे में आप हमें बताएं। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो गाँव से हुई है, और मेरा गाँव मधुबनी जिला के अंतर्गत पंडौल प्रखंड के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है डीह टोल, वहां मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की है। और पंडौल बाजार में स्कूल हुआ करता था, जहां से मैंने अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। तदुपरांत उच्च विद्यालय में मैं दरभंगा जिले के अंतर्गत सर्वोदय उच्च विद्यालय से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की, और 10वीं तक आते आते मैंने कई सारे को करिकुलर एक्टिविटी, चूंकि उस समय इसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता था, बट अब इसे को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाने लगा है, तो मैंने उस गतिविधि के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और उससे मैं समझता हूं कि मेरे अंदर एक्सप्रेशन की क्षमता बढ़ी। चूंकि मैं एक अंतर्मुखी छात्र रहा हूं, मैं बहुत संकोची छात्र रहा हूं प्रारंभिक दिनों में, लेकिन जैसे जैसे इन को करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने हिस्सा लिया, वैसे वैसे मुझमें जो अंदर छिपी जो बातें थी, जो एक स्पेशलिटी थी, या यूं कहते हैं कि कोई एक्स फैक्टर जो आदमी में होता है, वो उभर के सामने आया। रही बात पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं, जहां पर संसाधन का अभाव हमने झेला है बचपन में, और मैंने देखा है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को अगर संसाधन न मिले तो कैसे उसे विभिन्न प्रकार के एकेडमिक लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हम जब आज के इस समय में जब अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, और जिस पद पे मैं हूँ, एक शिक्षक के पद पे, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कम से कम आर्थिक रूप से पिछड़े जो बच्चे हैं उनकी मदद कर सकूं, और आगे बातचीत के दौरान मैं अपने इनिशिएटिव्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अगर हम आईसीटी की बात करें, तो बच्चों को पढ़ाने में आपने आईसीटी का किस तरीके से इस्तेमाल किया और बच्चों को क्या फायदा हुआ इससे? देखिए, आमतौर पर जो हमारे शिक्षक हैं वो आईसीटी का मतलब समझते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल कर लेना ही आईसीटी का प्रयोग है। तो मैं समझता हूं कि यह उनकी जो विचारधारा, यह जो अवधारणा है, वो गलत है। आईसीटी का मतलब यह नहीं है कि आप विभिन्न आईसीटी टूल्स से लैस हो जाएं, बल्कि अगर आप एक छोटा सा भी प्रयास करते हैं, अपने स्मार्टफोन से छोटा सा भी कोई प्रयास करते हैं जिससे बच्चों को फायदा पहुंच जाए, बच्चे उससे कुछ सीख पाए, न सिर्फ लर्निंग में बल्कि आपके टीचिंग प्रोसेस में, इवेल्युएशन के प्रोसेस में, असेसमेंट के प्रोसेस में भी अगर ये टूल्स आपकी मदद कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली भी आप कहीं से कुछ इस तरह के चीजों को कर पा रहे हैं, तो यह भी एक आईसीटी ओरिएंटेड ही है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं भी है, सिंपल सा एक स्मार्टफोन है आपके पास, 4G या 3G डेटा आपके पास है, तो आप चीजों को बहुत आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं अपने स्मार्टफोन से बहुत सारी चीजों को बच्चों तक पहुंचाने का काम करता हूं। अपनी कक्षा में जब भी किसी अवधारणा को स्पष्ट करना होता है, तो उनसे जुड़ी हुई जो वीडियोस हैं, कुछ ऑडियो विजुअल्स सामग्रियां हैं, या खुद के द्वारा तैयार की गई बहुत सारी जो सामग्रियां हैं, उसको मैं कक्षा में दिखा पाता हूं।
कुछ टीएलएम्स जो मैं बनाता हूँ उसकी व्याख्या करके उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों के बीच भी उसे प्रसारित करता हूँ और बहुत सारे शिक्षक इससे प्रभावित भी हुए हैं। तो मेरा जो आईसीटी में जो योगदान है और उससे जो बच्चों में क्या फायदा हुआ ये हमने विगत 2-3 वर्षों में महसूस किया। यूं तो मैंने 2013 में ही विद्यालय ज्वाइन किया लेकिन 2016-18 के दौरान जब मैंने ट्रेनिंग ली डीएलएड की इन सर्विस ट्रेनिंग, उस दौरान हमने आईसीटी से रिलेटेड 2-3 ऐसे कोर्सेज किए हैं जो करने के बाद मुझे लगा कि इसका हम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद्यालय में अपनी कक्षा कक्ष में और बच्चों के बीच जब लेकर मैं गया खास करके क्विजेज, उसके बाद कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से बच्चों के लिए कुछ विजुअल्स मैंने दिखाया बच्चों को और उससे बच्चे सीख रहे हैं। फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और बच्चे मुझसे जुड़ने लगे हैं अब और भी अच्छे ढंग से। जी तो सर आप बात कर रहे थे यूट्यूब चैनल की, तो अगर हम बात करें आपका यूट्यूब चैनल है रवि सर की पाठशाला के नाम से, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह का कंटेंट वहां जाता है, इस बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने 2018 में रवि सर की पाठशाला, उस समय चैनल का नाम नहीं था, मैंने एक सिंपल अपना एक शुरू किया सेल्फ स्टडी विद रवि रोशन कुमार और अपने शिक्षक मित्रों के लिए कुछ वीडियोज डालता था उसमें। लेकिन जैसे जैसे बच्चों को पता चलने लगा कि सर कुछ चीजें YouTube पे डाल रहे हैं तो बच्चों ने सजेस्ट किया कि आप इस चैनल का नाम थोड़ा लंबा है तो इसको थोड़ा छोटा कीजिए और इस तरह से कीजिए कि ये सब लोग तक पहुंच जाए। तो मैंने कहा कि बच्चों तुम लोग सुझाओ कुछ, तो उसने सुझाया कुछ बच्चों ने कि सर इसे रवि सर की पाठशाला कर दीजिए। तो ये नाम भी मेरा दिया हुआ नहीं है, मेरे विद्यालय के कुछ बच्चों के द्वारा ही दिया गया है और उन्होंने कहा कि सर इसे इस तरह से कहिए कि पाठशाला या रवि सर की पाठशाला इस तरह से कुछ दिया जाए। तो मैंने इसका नाम फिर 2019 में बदल के कर दिया रवि सर की पाठशाला। अब इस चैनल का उद्देश्य क्या है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शिक्षक और छात्रों के लिए पूर्णतः समर्पित है यह चैनल। शिक्षक के लिए आईसीटी से रिलेटेड जितनी भी तरह की बातें हो सकती है, आईसीटी से रिलेटेड जो कोर्सेज चलाई जा रही है उसमें जो उन्हें समस्या आ रही है उसके ट्यूटोरियल वीडियोज हैं, यहां तक कि मैंने टीचर्स के लिए कुछ वेबसाइट्स को भी जो है उस पर ट्यूटोरियल्स बनाया है। अभी निष्ठा ट्रेनिंग चल रहा था उसका वीडियोज मैंने बनाया है। इसके अतिरिक्त बच्चों की बात है तो मैंने सभी कक्षा के बच्चों के लिए समय समय पर वीडियोज डालता रहता हूँ। इस कड़ी में कुछ कहानियों की जो है पॉडकास्टिंग करके उसमें डालता हूँ। अपने जो मेरा जो विषय है मैंने आपको पहले नहीं बताया, मेरा विषय है सामाजिक अध्ययन, तो मैं बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाता हूँ। तो सामाजिक अध्ययन के कुछ टॉपिक्स का मैंने वीडियोस और उसको कुछ विजुअल्स के माध्यम से मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है। अब तक लगभग 180 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और आज के डेट में 4700 यानी 4700 सब्सक्राइबर हैं और सारे सब्सक्राइबर अधिकतर सब्सक्राइबर यूं कहें कि 95% से अधिक सब्सक्राइबर हमारे टीचर्स ग्रुप के हैं, स्टूडेंट ग्रुप के। तो सभी लोग जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप इस तरह के काम को आगे बढ़ाइए और लोगों को फायदा हो रहा है। जी सर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपने न सिर्फ बच्चों की कम्युनिटी पर एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डाला है लेकिन एक जो टीचर कम्युनिटी है उस भी बहुत ज्यादा आपके सहायक शिक्षकों को चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या अलग अलग माध्यम से सीखने को मिला हो। तो ऐसा ही हमने सुना है ई मैगजीन के बारे में कि शिक्षकों और बच्चों की क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपने ई मैगजीन की शुरुआत की, तो उसके बारे में अगर आप बताएं कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके का कंटेंट जो है वो ई मैगजीन में जाता है। जी, ये ई मैगजीन का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पहले से था क्योंकि हमारे संकुल की पत्रिकाएं छपती रही है पहले से, त्रैमासिक स्तर पे छपती थी पहले, तो धीरे धीरे वो पत्रिका आनी बंद हो गई, ये बात है लगभग 2015। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि पत्रिका को प्रकाशित करना एक बड़ी जिम्मेवारी है और इसमें खर्च भी अधिक है। अब पिछले लॉकडाउन की मैं बात करूं 2020 में, मैं यूं ही बैठा सोच रहा था तो मेरी एक नजर गई ई संवाद नाम की एक पत्रिका पे जो कि SCRT पटना के द्वारा प्रकाशित होती है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के द्वारा एक मासिक ई पत्रिका प्रकाशित होती है ई संवाद। तो उसमें जो कंटेंट मैं देखता था तो मैंने देखा कि वो 10-15 पन्ने की है और बहुत अच्छी पत्रिका है, लोगों तक पहुंच बना रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने लैपटॉप के प्रयोग से इस तरह की पत्रिका डेवलप करें। तो प्रयोग के तौर पर मैंने जुलाई 2020 में पहली ई पत्रिका निकाला
और मेरे दिमाग में इसका पहले से टॉपिक भी फिक्स था कि इसका इसका जो शीर्षक होगा वो जिज्ञासा होगा। मैं आपको बता दूं कि ये शीर्षक मैंने बहुत पहले से सोच रखा था और इस शीर्षक को मैंने मैगजीन के रूप में परिणत किया और आज के डेट में जबकि इस महीने हमने मई में जो है इसका दसवां अंक प्रकाशित किया है, कंटिन्यू है, किसी एक भी महीने हमने इसको मिस नहीं किया। ये हमारी और हमारे टीम की सफलता है, आप लोगों की शुभकामना के चलते हम लोग लगातार इसको प्रकाशित कर रहे हैं। और आज स्थिति ये है, उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षक और छात्र हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आर्टिकल, अपने चित्र, कविताएं और उनकी जो भी रचनाएं हैं वो प्रेषित करते रहते हैं। अब तो मेरे लिए यह समस्या बन जाती है कि 18 से 20 पन्नों के इस ई मैगजीन में सबको समाहित कैसे किया जाए, तो ये एक समस्या नहीं, अब तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं सबको एक सिलसिलेवार ढंग से आने वाली कड़ी में उसको प्रकाशित करूंगा और रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, राज्य स्तर के पदाधिकारियों से रिकॉग्निशन मिल रहा है, शुभकामना संदेश प्राप्त होते हैं। अभी हाल ही में राज्य परियोजना निदेशक जो है उनके कार्यालय से मुझे एक शुभकामना पत्र मिला है जिसको मैंने अभी इस बार के पत्रिका में प्रकाशित किया है। आप चाहें तो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, जिज्ञासा मैगजीन आपको दिखाया जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि 18 से 20 पेज की लगभग औसतन हर महीने, किसी महीने 15 पेज की, किसी महीने 22 पेज की ये पत्रिका होती है जिसमें शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी एक दो पन्ने मैंने निर्धारित करके रखे। कुछ अस्थायी स्तंभों के साथ साथ इस पत्रिका में कुछ नए नए चीजें, कुछ समसामयिक घटनाओं पर बातें डाली जाती है। अस्थायी स्तंभ में बच्चों की दुनिया, पंचतंत्र की कथा, फिर बच्चों के द्वारा भेजे गए चित्र, पहेलियां, कहानियां, चुटकुले इत्यादि को समाहित करता हूं। फिर शिक्षकों के लिए शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ बातों को डालता हूं। एक प्रत्येक महीना मैंने एक निश्चय किया इसमें कि एक निश्चित रूप से एक ऐप के बारे में जानकारी देंगे, एक मोबाइल ऐप के बारे में, ताकि टीचर्स इन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उससे कुछ सीखें। अब तक 10 अंक निकल चुके हैं और 10 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप्स के बारे में मैंने जानकारी दिया है। इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहे, आप लोग की शुभकामना की जरूरत है। ये पत्रिका मैं चाहता हूं कि निरंतर रूप से आगे बढ़े और प्रारंभ में तो अभी यह सीआरसीसी लेवल यानी क्लस्टर लेवल पे चल रहा है, लेकिन मेरा ये मतलब ड्रीम है कि मैं इस पत्रिका को राज्य स्तर तक कम से कम ले जाऊं और राज्य भर के शिक्षक इस पत्रिका का लाभ उठा पाए। सर, आपने भी बात की सहभागिता की कि कैसे बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो इससे ही मुझे याद आता है जो आपने राष्ट्रीय स्तर पर क्विज कंपटीशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में आप बताएं, आइडिया कैसे आया, किस तरीके का पार्टिसिपेशन सहभागिता रही बच्चों की तरफ से। दरअसल मैं अपना एक अनुभव साझा करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट से पहले वो भारत के एक महान वैज्ञानिक भी थे, तो उनसे मेरा जो है व्यक्तिगत जुड़ाव इस तरह से था कि मैंने उनका एक स्केच बनाया था 2012-13 की बात है, लगभग हाँ 13 की बात है, जनवरी 2013 की मैंने उनका एक स्केच बनाया था। और राष्ट्रपति भवन में, चूंकि उस समय तक वो रिटायर हो चुके थे, तो राजाजी मार्ग में उनका आवास था, मैंने उनको डाक से भेजा। अब देखिए उनकी सहृदयता और लोगों से जुड़ाव, उन्होंने उस स्केच पर अपना सिग्नेचर और डेट डाल करके उसे मुझे फिर वापस भेजा था, 2013 की यह घटना है। उसके बाद कलाम साहब से एक जुड़ाव महसूस होने लगा और इसी क्रम में रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन गुजरात के द्वारा एक संस्था चलाया जा रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, तो मेरे काम से प्रभावित होकर के उन लोगों ने मुझे बिहार का हेड बनाया, यानी बिहार का इस संस्था का हेड बनाया। तो मेरी जिम्मेवारियां बढ़ गई कि मैं क्या करूं, इस लॉकडाउन में मुझे जिम्मेवारी दे दी गई है और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, कोई आयोजन भी नहीं कर पाऊंगा ऑफलाइन। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक कुछ ऐसी श्रृंखला चलाई जाए कि प्रत्येक महीने बच्चों के लिए क्विज ऑर्गेनाइज, और हर महीने कुछ ना कुछ दिवस ऐसे आ ही जाते हैं, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं। इस क्रम में एपीजे अब्दुल कलाम सर के जन्मदिवस पर हमने एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था। मैं आपको उसका आंकड़ा भी बता देता हूं कि इसमें इस क्विज में 467 बच्चों ने रजिस्टर किया और 467 बच्चों ने भाग लिया पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से त्रिपुरा तक। इसके बाद विज्ञान दिवस के अवसर पर जब मैंने क्विज ऑर्गेनाइज किया उसमें 543 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ शिक्षक भी उसमें थे क्योंकि नेशनल साइंस क्विज सबके लिए था। ओजोन डे पर हमने इसी तरह किया, उसमें भी लगभग 450-446 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
और बायोडाइवर्सिटी क्विज अभी हाल ही में मैंने 22 मई 2020 को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 100 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, चूंकि इन लोगों को मैंने सर्टिफिकेट भी भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि आईसीटी का फायदा ये है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से कई ऐसे टूल्स हैं, जैसे टूल से सर्टिफाइम पर 100 सर्टिफिकेट तक आपको फ्री है, और उसमें आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर फ्री में करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें फ्री में उपलब्ध हैं। तो उस क्विज के लिए मैंने प्रारंभ में तो गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स के बारे में मुझे जानकारी मिला, जैसे myquiz.org, उसके बाद quizzes.com, और इसके बाद testmoz, इस तरह के कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां से क्विज क्रिएट करने का जो है अवसर मिलेगा। तो जितने भी शिक्षक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस तरह के क्विज ऑर्गेनाइज करने के लिए इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि शून्य निवेश से यह हो, तो बिल्कुल आप इस तरह के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें जहां पर आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं, उस क्विज में टाइमर सेट कर सकते हैं, और एक तरीके से लाइव क्विज का जो है मजा आप ले सकते हैं बच्चों के साथ। जी सर, आपने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और एप्स की बात करी, ये बिल्कुल उपयोगी होंगे, क्योंकि कोई भी आज हमें ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी, कई लोग बहुत कतराते भी हैं, तो आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है चीजों को कि अब मुझे लग रहा है कि जरूर जो भी शिक्षक देख रहा होगा या फिर मुझे भी कुछ, जैसे आपने certify.com के बारे में बताया कि सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कैसे डिजाइन हो सकते हैं फॉर्म के थ्रू, तो ये सारी चीजें हैं। तो सर, आप अपने कौशल विकास के लिए क्या वो ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस करते हैं या आप देखते हैं या यूट्यूब पर, या कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, तो आज हमारे दर्शकों के साथ आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे शिक्षकों की जिज्ञासा होगी कि आखिर मैं इतने सारे काम को कैसे कर पाता हूँ। इतने सारे इनिशिएटिव्स के पीछे जो है वो कोई साइट, कोई यूट्यूब, कोई चैनल काम नहीं करता है, उसके पीछे सिर्फ एक चीज काम करता है, वो काम करता है आपकी इच्छा शक्ति, आपका जुनून। अगर आपने इच्छा शक्ति है, आपने जुनून है कुछ करने की, तो ढेर सारे साधन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ढेर सारे लोग आपके समक्ष आ जाएंगे सहयोग के लिए। तो सबसे पहली जरूरत है आपको उन चीजों के प्रति इच्छा शक्ति को जागृत करना। जैसे मैंने ई मैगजीन निकाला है, तो मैंने तो प्रारंभ में कुछ नहीं सोचा कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जब मैंने किया तो बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। आज मैं आपको बता दूं कि बिहार के दसों ऐसे शिक्षक के मैं नाम बता सकता हूं जिन्होंने मेरे ई मैगजीन से प्रभावित होकर के अपने विद्यालय के ई मैगजीन की शुरुआत की है, अपने संकुल स्तर पर इस तरह के मैगजीन की शुरुआत की है। इनफैक्ट कई सरकारी स्तर पर ऐसे मैगजीन निकल रहे हैं जो हमारे द्वारा चलाए गए ई मैगजीन को फॉलो करने लगे हैं, एक तो ये है। दूसरी बात है कि यूट्यूब और गूगल आज जो ऐसे हथियार हमारे पास है, जो ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जिसका इस्तेमाल करके हम दुनिया भर की तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब उसी में है कि हमें कौन से कीवर्ड्स चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स होते हैं जिसको लेकर के जब आप उसमें जाएंगे, तलाश करेंगे, तो सही जगह पे आप पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं वैसे कीवर्ड्स की खोज में रहता हूं, या मेरी जो जरूरत है उस हिसाब से मुझे उसी कंटेंट के पास हमें जाना है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम बेफजूल की चीजों में अपना समय व्यतीत ना करें, हमें एक फोकस्ड होकर के कि हमें अगर क्विज ऑर्गेनाइज करना है तो हमें इसके लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी, हम उन टूल्स की तरफ जाएंगे। दूसरी बात, हमें सहयोग लेने में, किसी से किसी चीज को पूछने में जरा से भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है और टेक्निकली जो आजकल का जो युग है उसमें आगे बढ़ना एक अलग चीज है। तो इसलिए बिल्कुल शर्माए नहीं, बेहिचक होकर के प्रश्न पूछें, चाहे आप अपने सहपाठी से, अगर आपके आसपास कोई ऐसे सहपाठी हैं, मित्र हैं जो आईसीटी में दक्ष हैं, तो उनसे पूछें। आज मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान, खास करके जो मैं बता रहा था आपको, डीएलएड ट्रेनिंग में हमने दो आईसीटी से रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग, और एक एनसीईआरटी के द्वारा निष्ठा में भी इस तरह के आईसीटी से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए गए। हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी मदद से इसको, इस बात को वे स्वीकार करते हैं कि रवि रोशन जी ने हमें इन सब चीजों की तरफ उन्मुख किया, और वे लोग आज न सिर्फ मेल भेजने में सक्षम है, अब तक तो सिर्फ शिक्षक व्हाट्सएप और फेसबुक समझते थे, लेकिन अब वह न सिर्फ मेल भेजने में सक्षम है बल्कि आईसीटी के कई ऐसे काम को करने में वो दक्ष हो गए हैं जिसके बारे में वो सोच नहीं सकते थे। असाइनमेंट अब वो डाल रहे हैं, बच्चों के लिए क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं अपनी दक्षता को न सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता हूं, बल्कि बच्चों को और अपने सहपाठी को, अपने
सहयोगी मित्रों को भी उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करता। जी सर, तो अगर हम बात करें आपकी उपलब्धियों की, तो अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें। आईसीटी के सेक्टर में अगर उपलब्धि की बात करें तो मैंने जो अब तक विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में हिस्सा लिया उसके प्रमाण पत्र मेरे पास है, लेकिन असली उपलब्धि तो यह है कि बच्चों में कुछ सुधार हो पा रहा है कि नहीं, बच्चों तक मैं कुछ पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, एक वो उपलब्धि मेरे लिए बड़ी बात है। शैक्षणिक उपलब्धि की बात करें तो मुझे कई स्तर पर रिकॉग्निशन मिला है, कई जगह से अप्रिसिएशन मिला है, और मैं अपने काम को लगातार करते रहने में विश्वास करता हूं। मुझे पुरस्कार इनाम इत्यादि की चिंता नहीं रहती है, अगर ऐसी चिंता होती तो मैं कई सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूं, मैं रुक जाता अपने काम के प्रति, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और मैं 1-5 का टीचर हूं अपने स्कूल में, बावजूद इसके शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में अक्सर कुछ कक्षाएं खाली रह जाती है, तो उन कक्षाओं को लेने की अनुमति लेकर के मैं उन कक्षाओं में जाता हूं, जैसे 9वीं और 10वीं की कक्षाओं को भी मैं संचालित करता हूं। तो जहां तक आपने कहा कि उपलब्धि की बात है, तो मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि तो यही है कि हमारे आसपास के शिक्षक, हमारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और उनको कुछ फायदा हो पा रहा है, यही मेरी बड़ी उपलब्धि होगी। सर, अगर हम बात करें आपके इस पूरे सफर में, अगर उन लोगों के बारे में आप बात करना चाहें जो आपके सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने आपकी मदद की है, वो परिवार से हो सकते हैं, वो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, आपकी प्रोफेशनल सर्कल से हो सकते हैं, तो अगर आप उस बारे में बताना चाहें। निश्चित रूप से बिना सहयोग के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भले ही कुछ लोगों का ऐसा दम्भ हो कि वो अकेले ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे जीवन में सबसे पहले तो मेरे पारिवारिक सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके सहयोग से ही मैं कुछ भी कर पाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पेंडेमिक के समय जब आप ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं, खास करके वर्क फ्रॉम होम वाले लोग इस चीज को अच्छे से समझते होंगे कि परिवार का अगर सहयोग न मिले तो आप वर्क फ्रॉम होम तो कर ही नहीं सकते हैं, ये बात तो प्रमाणित हो चुका है। दूसरी बात है कि उससे पहले की भी बात करें तो मैंने जब अपनी ट्रेनिंग प्राप्त किया, उस दौरान हमारे डाइट के प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर सुभाष चंद्र झा। दुर्भाग्यवश इस वर्ष मार्च में उनका निधन हो गया है कोरोना के कारण, ये हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा विभाग को बहुत कुछ दिया है और उनकी प्रेरणा आज तक हम लोगों को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसके अलावे हमारे मित्रगणों में कई ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए रहते हैं और साथ ही साथ हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कुछ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी हैं जो हमारे लिए सहयोग करते हैं, जैसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं या राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय हैं या हमारे जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी हैं। इन लोगों का हमेशा मेरे प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं, हमारे द्वारा किए गए इनिशिएटिव्स को सुनते हैं और उन्हें लागू करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो मेरा मानना है कि पदाधिकारियों का, अपने परिवारजनों का और अपने मित्रजनों के सहयोग से ही मैं या मेरे जैसे और भी जो शिक्षक इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग बिल्कुल अपेक्षित होते हैं। सर, हमें पता चला है कि हाल ही में आपको नेशनल आईसीटी अवार्ड फॉर टीचर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, तो अगर आप उस बारे में हमें बताएं कि क्या सारे क्राइटेरिया थे और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था। जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपने जो पूछा है मैं इसका उत्तर थोड़ा सा विस्तार में देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे आईसीटी के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक हैं जिन्हें यह नहीं पता होता है कि उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसकी एक संस्था एनसीईआरटी के अंतर्गत एक पुरस्कार है शिक्षकों के लिए, नेशनल आईसीटी अवार्ड फॉर टीचर। ये पुरस्कार सभी श्रेणी के शिक्षकों के लिए है, जबकि मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो होता है उसमें सिर्फ नियमित शिक्षक होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को उसे मौका नहीं मिलता है, बट आईसीटी अवार्ड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए भी है। तो आप सब इस बात को ध्यान में रखें कि अगर कोई भी शिक्षक आईसीटी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया है वो सबसे पहली प्रक्रिया है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं, उसे आपको टाइप करके फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद स्टेट की जो स्क्रीनिंग कमेटी है आपके फॉर्म पर विचार करती है और उसे फिर प्रेषित करती है केंद्र को, और केंद्र में फिर उसमें से स्क्रूटनी होता है, छटनी होता है, विभिन्न क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं
उसकी लिस्ट पुनः राज्य को भेजी जाती है और राज्य फिर उस आधार पर शिक्षकों को एक जूरी मीटिंग के लिए फिक्स करती है, और जूरी मीटिंग में एनसीईआरटी का सीआईटी जो है विभाग, वो एक जूरी मीटिंग करता है, और जूरी मीटिंग के आधार पर आपकी उपलब्धियों की एक तरह से पड़ताल होती है। उस इंटरव्यू के माध्यम से यह जाना जाता है कि आपने जो अपने क्षेत्र में काम किया है उसमें कितनी सच्चाई है, और तब जाकर के अंतिम सूची मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, जहां पर शिक्षा मंत्री और उस विभाग के जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर से एक पत्र जारी होता है और जिसमें आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अभी जो आपने बताया, मैं लगभग अंतिम चरण में हूँ और मेरी जो फाइल है वो शिक्षा विभाग के पास अभी विचाराधीन है। तो बिहार से 4 शिक्षकों का इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन हुआ था। अब देखिए, चूंकि पेंडेमिक आ गया बीच में, नहीं तो ये पुरस्कार, इस पुरस्कार की घोषणा हो जाती। आप लोगों की शुभकामना और ईश्वर की कृपा रही तो मेरे द्वारा किए गए काम को जरूर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ये पुरस्कार हो सकता है कि मुझे मिल जाए। जी सर, बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं और हम आशा करते हैं कि ये अवार्ड आपको मिले। सर, टेक्नोशाला में जो भी शिक्षक आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपके कोई ऐसे सहयोगी शिक्षक जिन्होंने आईसीटी में काम किया हो और आप चाहते हैं कि उनकी कहानी भी टेक्नोशाला की डिजिटल टीचर की कहानी के द्वारा आगे आए, तो वो ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनको आप नॉमिनेट करना चाहेंगे आगे की? बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे शिक्षकों ने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में साथ निभाया है और हाल ही में मैंने बताया कि आपको आईसीटी में 4 शिक्षक नॉमिनेट हुए हैं। तो मैं एक शिक्षक हैं सौरभ सुमन जी, उनका मैं नाम नॉमिनेट करता हूं। वो कंप्यूटर टीचर हैं और बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं आजकल, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फ्री में एक प्लेटफॉर्म से वो कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। मैं उनका नाम नॉमिनेट कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उनसे आप संपर्क करें और उनका भी इंटरव्यू करें ताकि आने वाले दिनों में शिक्षकों को कुछ और भी सीखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज की इस बातचीत में मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और जो भी आपने हमारे दर्शकों को, शिक्षकों को और बच्चों को टिप्स दी है, हम आशा करते हैं कि आपको भी आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी डिजिटल टीचर की कहानी रवि रोशन कुमार जी के साथ, जो हमसे जुड़े थे दरभंगा बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।